You see, fast changing time of cinema from the 1980s, 90s, 2015, and then 2025, 2050, what is going to be the future? Unless until you train our students with the past glory, with the present situation, and the future vision. So we have to train them, we have to give them a platform and an opportunity to develop all those kind of skills from various classics, filmmakers, film classic movies, so that they can make future films with the international sensibilities and be in touch with the ethics of cinema in a better way. So this is the exercise the Whistling Bulls have taken over for every year. That's how we invite and perform people and filmmakers like Farhan, Akhtar and other people. They come here, they share their experiences. So this is one of the great platform for not only for the Whistling Bulls students, but for the students from other universities, as far as the poor children who cannot afford education, but they want to learn filmmaking. So we have allowed them also here from the slum areas or the poor section part of it. So they are also here, they are enjoying their workshop. And it's a great pleasure for me to have this kind of momentum. ये तो स्टूडेंट्स ही आपको बताएंगे. मैंने तो जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछे, मैंने जो मुझे लगा कि जो एक बिल्कुल ही सच है मेरे अंदर, जैसे वो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं दूं, तो मैंने एक अच्छी बात है, मतलब एक क्यूरियोसिटी है जो हर स्टूडेंट में होनी चाहिए टू नो अबाउट जो लोगों ने थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस गार्नर किया है ओवर द इयर्स ऑफ वर्क, तो जस्ट टू कम एंड शेयर दैट विद देम. दे आर क्यूरियस, दे आर ऑल वेरी हंग्री. वो जानना चाहते हैं कि मतलब आगे चलकर उनके रास्ते में कैसी कैसी चीज़ें आएंगी. तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू बी हियर टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स. अगर मुझे सिनेमा सेलिब्रेट करना है, मैं तो फिल्में देखता हूँ. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट मूवीज इज बाई वॉचिंग देम. तो जहाँ से मतलब प्यार शुरू हुआ था सिनेमा के लिए, बिगैन एज एन ऑडियंस. तो अगर हम फिल्म मेकर बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फिल्में देखनी छोड़ देनी चाहिए. तो टू कंटिन्यू दैट थिंग, आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना काम होता है दुनिया भर में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में. टू जस्ट ये देखना कि मतलब किस तरह की फिल्में बन रही हैं, किन किन मुद्दों पे फिल्म बन रही है. टू मी दैट इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग थिंग टू डू. दैट्स हाउ आई सेलिब्रेट इट. आई थिंक इट वुड बी फेयर फॉर एक्चुअली सुभाष जी टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ही हैज सीन रियली द चेंज ऑफ द टाइम्स. जब से मैं आया हूँ, ज़्यादातर मतलब जो फिल्में बनी हैं, देव ऑलरेडी वर स्टूडियोज इन्वॉल्व, देर वर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व. तो ये जो एक चेंज रहा है, मैंने हाल ही में एक फिल्म की मिस्टर बच्चन के साथ वजीर, तो वो भी मुझे बता रहे थे कि मतलब एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हिम कितना बेहतर हो गया है अब, कि स्क्रिप्ट पहले मिल जाता है, यू गेट अ चांस टू रीड थ्रू अ डायलॉग, प्रिपेयर फॉर अ कैरेक्टर, कॉस्ट्यूम के रिहर्सल्स होते हैं, हेयर मेकअप होता है पहले. ही लाइक सो बाय द टाइम यू कम ऑन टू सेट यू फील वेरी प्रिपेयर्ड. तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था. मेरे ख्याल से ऐसा ही था हमेशा, क्योंकि मैं उसी तरह की फिल्मों में मैंने काम किया. बट आई थिंक सुभाष जी इज बेटर इक्विप्ड टू आंसर. जी, पहले क्या था कि एक आदमी चार डिपार्टमेंट संभालता था. अभी चार डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन हो गया है, तो चार डिपार्टमेंट जिनका काम है वो करते हैं. इसीलिए डायरेक्टर के लिए भी आसान है, और एक जो क्रिएटिव टीम है और टेक्निकल टीम है, उनकी सबके इनपुट आते हैं तो प्रोडक्ट बेटर बनता है. पहले एक बोझ एक राइटर डायरेक्टर के ऊपर था, प्रोडक्शन मैनेजर का भी काम वो कर रहा है, सब भाग भी रहा है और डेट्स भी ले रहा है, बेच भी रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लिख भी रहा है साथ में कहानी, साथ में मार्केटिंग की बात कर रहा है. तो इतना बोझ था हम लोगों के ऊपर उस वक्त में. अगर हमने फिल्में बना दी तो हमें लगता कि हम बहुत महान थे, और रोल्स भी कर रहे हैं. यू नो, आई थिंक द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एनी वन कैन मेक टू देयर फील्ड इज थ्रू एजुकेशन. सो टू हैविंग क्रिएटेड यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, वॉट एवर यूड लाइक टू कॉल इट, एन अकेडमी, द फैक्ट इज दैट दिस इज अ वेरी वेरी लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन. एवरी ईयर देर आर सो मेनी चिल्ड्रन हु कम आउट ऑफ विस्लिंग वुड्स, यू नो, प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड, एक्चुअली लेट मी रिफ्रेज, to start a career in filmmaking or in television. And I think that is in itself, I mean, I don't think there's anything more for me to say. The fact is, he has a world of experience. He has worked with amazing talent for most of his years and all the work that he's done. And I think he told me when he recently, just while we were walking in, when he got a chance to choose his first DOP, the difference between between what was there before and what is now. So the fact that he's preparing so many young people for a career, I think is an amazing thing. And all of us, including me from the film industry, are very, very happy, very proud to be supporting him in this endeavor. And whenever we need to come here, interact with students, you know, share again our views, our opinions, our experiences with them, we are more than happy to.